हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे आप अपने लैपटॉप या पीसी में पासवर्ड सेट कर सकते हैं या फिर रीसेट कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, इसमें पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कैसे आप पासवर्ड को सेट कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। हमारा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं यूजफुल टेक्नोलॉजी। पासवर्ड को सेट करने के लिए आप सबसे पहले कंट्रोल पैनल पर चले जाएंगे। अकाउंट पे चले जाएंगे, यूजर अकाउंट पे। उसके बाद जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर होगा उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रिएट अ पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे कंफर्म न्यू पासवर्ड कर देंगे, फिर से उसी को रिपीट कर देंगे। और उसके बाद से यहाँ पे हिंट देने के लिए यहाँ पे कुछ डाल देंगे। अगर आप नंबर डालेंगे तो यहाँ पे नंबर लिख देंगे, या फिर कैरेक्टर लिखे तो कैर लिख देंगे। कोई सिंबल कुछ भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं यहाँ पे हिंट के लिए, कि आपको पासवर्ड याद रहे। यहाँ पे सिंपली हम कैर लिख देते हैं। क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। देखिए हमारा पासवर्ड बन गया। देखिए यहाँ पे आ रहा है आप चेंज द पासवर्ड, पहले आ रहा था क्रिएट द पासवर्ड, अब आ रहा है चेंज द पासवर्ड, मतलब हमारा पासवर्ड लग चुका है। अब जब भी आप शट डाउन करके फिर रिस्टार्ट कीजिएगा तब आपको पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पे देखिए चेंज द पासवर्ड पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो अभी पासवर्ड है वो डाल देंगे, और उसके बाद जो आपको बनाना है नया पासवर्ड वो ऊपर डाल देंगे, फिर कंफर्म न्यू पासवर्ड डाल देंगे, फिर से हिंट डाल देंगे, उसके बाद चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका फिर से दोबारा दूसरा पासवर्ड बन जाएगा, हम सिंपली इसको कैंसिल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे चेंज दी अकाउंट ने, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करके आप नाम चेंज कीजिएगा। जो यहाँ पे एचपी लिख रहा है ये आपका नाम हो जाएगा, जैसे ही लॉग इन होगा तो एडमिनिस्ट्रेटर पे आपका ये नाम आ जाएगा। यहाँ से आप चेंज नेम भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो इस चैनल पे हम लाते रहते हैं, इसके इन्फॉर्मेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।